लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ओवरव्यू कंप्लीट फ्रीलांसर का, किस तरीके से आप जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अपने जो है ना स्किल्स वगैरह क्या क्या होती हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बिट्स क्या होती है, कॉन्टेस्ट क्या होता है, प्रोफाइल कैसे होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आप मैथमेटिक्स इंग्लिश का कोर्स वगैरह जो भी आपको देना चाहते दें वरना नहीं दें, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट ओवरव्यू दे चुका हूँ, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके इंस्पिरेशन वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरा मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो अब आपको करना है अकाउंट क्रिएट। यहाँ पे देखें फ्रीलांसर में कुछ नीचे स्किल्स वगैरह और डेफिनेशन दी हुई है, हाउ इट वर्क्स, ब्राउज जॉब्स, फ्रीलांसर, लॉग इन, साइन अप, पोस्ट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लॉग इन जब करेंगे, जब आपका ऑलरेडी अकाउंट बन चुका होगा, अभी हमारा अकाउंट समझे नहीं बना और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पर आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि या तो आप साइन अप कर लें फेसबुक के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक आईडी पासवर्ड, तो वो आपको ऑलरेडी लॉग इन कर देगा विद द साइन अप ऑफ फेसबुक। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं हम एक नई आइडेंटिटी बनाएं, ठीक है, जीमेल पे अकाउंट बनाना है आपको सबसे पहले अपना, और वहाँ पे आपको जीमेल पे बनाने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो भी आपने अकाउंट बनाया है, जैसे मैंने बनाया है ये आईडी से, ठीक है। आपने पासवर्ड रख दिया, आपने बोल लिया है कि कम से कम 6 डिजिट्स का होना चाहिए, और ये ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन शो करने का मतलब है कि ये आपका सही आईडी पासवर्ड चल जाएगा। इसके अलावा देखो मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी, तो ये रेड दिखा रहा है, मतलब ये आईडी सही नहीं है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको अपना एक जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, और यहाँ पे आपको आगे अपनी जीमेल की ईमेल डाली, और यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी डाल दिया आपने, मतलब जो भी आपको लग रहा है वो आपने पासवर्ड डाल दिया। फिर यहाँ पे लिखना है आई एग्री विथ फ्रीलांसर यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आप पढ़ने जाए तो पढ़ लें, होना जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करें और ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक कर दें। इसके अलावा अब ये पूछ रहा है कि चूज अ यूजर नेम, ठीक है, आपको यूजर नेम क्या रखना है, तो मैं ये रख रहा हूँ वाटरमेलन NFT, जो मेरी NFTs एक बन चल रही है, ठीक है, वो मैंने उससे अकाउंट बना रहा हूँ अपना। तो मैंने नेक्स्ट करा, इसके बाद पूछ रहा है कि आपको सेलेक्ट अकाउंट टाइप, क्या आपको आई वांट टू वर्क और आई वांट टू हायर, मतलब काम करना है या किसी को हायर करना है। तो मैं तो ऐसा फ्रीलांसर जा रहा हूँ तो मुझे तो काम करना है, ठीक है, बाद में हायर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे और इसने छोटा सा मॉडल देके आपको आपके सामने स्किल्स का एक पेज मॉडल खोलवा लिया, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन है। तो अब आपको क्या स्किल्स अपने यहाँ पे सेट करना है तो वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिए हैं उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, अगर मैं आप लिखूँ कंटेंट, तो कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये ऐड हो गए। तो ये आप 20 स्किल्स यहाँ पे अपनी ऐड करवा सकते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 400+ जॉब यहाँ पे हैं, होती हैं अक्सर, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग भी कर देते हैं, कॉपी राइटिंग कर लेते हैं, ठीक है, रिसर्च करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जो है कंटेंट राइटिंग ही रखता हूँ और आर्टिकल राइटिंग इज गुड, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग मतलब ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी की CV बना सकते हो यहाँ पे, रेज्यूमे कर देते हैं, किसी की ई-बुक लिख सकते हैं, यहाँ पे ई-बुक पे भी क्लिक कर दें, ठीक है। ई-बुक का भी मैं आपको बताऊँगा आगे जाके कि आप किस तरीके से अमेजोन किंडल में ई-बुक वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी कंटेंट के हवाले से। इसके अलावा मैं आता हूँ डिज़ाइन में भी कुछ चीज़ें ऐड कर देता, जैसे डिज़ाइन पे क्लिक करा, ग्राफिक डिज़ाइनर आप तो यहाँ पे क्लिक कर दें, वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक कर दें, लोगो है यहाँ पे क्लिक कर दें, इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट है यहाँ पे क्लिक कर दें, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी अगर आप तो 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, तो यहाँ पे जाके फोटोग्राफी, ब्रोशर, 3D डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आप लिमिटेड रखें अपनी चीज़ें जो आपको परफेक्ट आती हैं। तो आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ईबुक, ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, और अगर आपको फोटोशॉप भी आता है तो आप यहाँ पे जाके फोटोशॉप भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपकी स्किल सेट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज तो बताई हुई है, जो आपको बताया, अगर आपको सर्च नहीं करना तो यहाँ पर ऑलरेडी कैटेगरीज आई हुई हैं, वहाँ पर जाके भी आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश, स्पेनिश, एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, वेबसाइट और IT से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो PHP, WordPress, MySQL, ठीक है, और कुछ भी जो भी आपकी वेबसाइट होस्टिंग, SQL, YouTube, Instagram, कुछ भी आप कर सकते हैं। यूनिटी पर काम आता है यूनिटी कर दें, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम आते हैं वो कर दें, ठीक है। इसके अलावा राइटिंग कॉन्टेंट का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपने यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स के हैं तो आप यहाँ पे जाएँ, डेटा एंट्री वगैरह करनी है तो यहाँ पे भी आप पोस्ट वगैरह, डेटा एंट्री की जॉब भी पे क्लिक कर देते हैं चलें, ताकि वो भी स्किल्स हमारे सामने आ जाए, ठीक है। तो अब देखें हम नेक्स्ट करेंगे,
हमारी स्किल्स फ्लैग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि आप अपना फेसबुक से अकाउंट लिंक करना चाहते हैं या लिंक्डइन से करना चाहते हैं, तो वो मैं प्रिफर नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस होना चाहिए। तो आप वहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे फेसबुक पे लिंक हो और लिंक्डइन पे लिंक हो और अपडेट वगैरह वहाँ पे भी जाएं और आप शेयर कर सकें, तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, मैं स्किप करूँगा। इसके अलावा पूछ रहा है कि भाई आपको अपना नाम क्या रखना है, प्रोफाइल एडिट जो है ना, आपको अपनी प्रोफाइल एडिट करवानी है, तो यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल पे पिक्चर ऐड करवा सकते हैं। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, तंजिल है तो तंजिल ऐड कर देता है, ठीक है। लास्ट नेम मेरा रहमान है तो रहमान डाल देता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट कर देता हूँ। बाकी मैंने अभी प्रोफाइल बैक पे दिखाता हूँ, मैंने अभी ऐड नहीं करी, वो आप आगे जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू डू, ठीक है, राइट अ लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। आप क्या करते हैं, लिखिए आई एम एन इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट एंड, ठीक है, यहाँ लिखना चाहते हो लिखते हैं, इलस्ट्रेटर एंड इमेज मैनिपुलेशन, ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने, आई एम एन इलस्ट्रेटर एंड इमेज मैनिपुलेटर आर्टिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताया कि अपने बारे में बताया कि स्किल्स कैसी हैं आपकी, प्रोवाइड मोर डिटेल ऑन योर सर्विसेज ऑफर क्या कर रहे हैं, तो आई प्रोवाइड कॉन्टेंट राइटिंग एंड इलस्ट्रेशन सर्विसेज which includes and logo designing image manipulations और data entry, ठीक है, ये मैं करता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे data entry की भी रिक्वेस्ट से आई हुई है। data entry लिख दी है, इसके अलावा आपने लिख दिया content writing, अच्छा स्टोरी बोर्डिंग में आप हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेबसाइट्स, अगर आप चाहें तो वेबसाइट का भी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, तो छोड़ दें यहाँ पे, चलें आप स्टोरी बोर्डिंग में करते हैं और डॉट लगा दें। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपके 2000 कैरेक्टर और आप लिख सकते हैं, तो आप इसको और ब्रीफ अच्छा सा कर सकते हैं, इंटर करें और यहाँ पे एक नया लाइन शुरू कर दें कि भाई आप और क्या क्या कर सकते हैं, और ब्रीफ कर सकते हैं कि लोगो डिजाइनिंग में यू कैन चेक माई पोर्टफोलियो तो यू मे नो हाउ कैन आई वर्क, इस तरह के कुछ भी करके आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं आराम से अपना राइट, आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करो और वो आपको लिख के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप लैंग्वेज कौन सी आपकी, तो लैंग्वेज में आपको लिखते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश आ गई। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इंग्लिश इज गुड। अच्छा, पूछ रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें इसको कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी आप ईयर, यहाँ पे भी आप देखें जैसे 92 है मेरी, तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ 92 October 11, 11/10/92, ठीक है, या भाई नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है वेयर यू आर लोकेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, और सिटी वगैरह पूछ रहा है सिटी कराची, ठीक है, प्रोविंस पूछ रहा है सेन, जिप कोड पूछ रहा है जिप कोड डाल दें, ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि ऑलमोस्ट देयर, टिल वी यू चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, वाटरमेलन NFT पे आज उन्होंने ईमेल भेजी है, ठीक है, जो मैंने अकाउंट जिससे बनाया था, और वो आपको बोल रहा है आप चेक कर लें। अब यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ ईमेल पे, तो ईमेल आई हुई है, ठीक है, उसी वक्त आ गई, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, लिखें प्लीज़ वेरीफाई माय ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब आप सक्सेस दिखा रहा है आपको, फ्रीलांसर विद पेड मेंबरशिप ये सब दिखा रहा है, अगर आपको एक महीने का फ्री ट्रायल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप $9.99 खर्च करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब 100 जॉब पर मंथ मिलेंगी, अप्लाई कर सकते हैं आप 100 बिट्स पे, डेली विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, 80 स्किल्स कर जो ऐड कर सकते हैं 20 की जगह, तो हम तो ऑलरेडी 7 किया, हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें अभी मैं आपको प्रीफर्ड नहीं करूँगा, स्किप कर दें इसको, यहाँ पर लिखा हुआ स्किप फॉर नाउ, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप पहले पैसे कमाने के लिए हैं, पहले कमा लें थोड़े से, तो फिर उसके बाद हम
पेड मेंबरशिप की तरफ जाएंगे जिसमें हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे स्किप करेंगे अब इसको, और यहाँ पे इसने आपको प्रोफाइल पे ले आया है आपकी, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, और वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके आपको ये मैसेज आ जाएगा, मैसेज आप डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखें ये मेरी डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो ये देखें डैशबोर्ड दिखा रहा है आपको, अभी बिल्कुल साफ सुथरा डैशबोर्ड है, कोई काम नहीं हुआ हुआ। तो ये तो बता रहा है कि भाई ये लोगों ने योर थोड़े से ब्लॉग्स वगैरह आ रहे होते हैं, लोगों ने क्या क्या करा हुआ वो सब बता रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें मेरी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, व्यू प्रोफाइल पे आऊँगा तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आई हुई है। अभी सब कुछ 00 है क्योंकि नई वेबसाइट है, न्यू प्रोफाइल है, आई एम एन इलस्ट्रेटर आर्ट एंड इमेज एनिमेशन आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है इसमें, यहाँ पे आप पोर्टफोलियो ऐड करवाएंगे, अभी रिव्यूज़ कैसे मिलते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है ना वेरीफाई होने के लिए आपको अभी आपने कोई काम नहीं किया हुआ, जब काम करेंगे तो आइडेंटिटी वेरीफाई वगैरह आप अपना करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड अभी हम करवाई है हमने, यहाँ पे चीज़ें आ गई। इसके अलावा ये आपका कंप्लीट सेटअप था माय प्रोफाइल, बाद में कंप्लीट आपकी प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब इससे हमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि आपको पोर्टफोलियो कैसे अपना अपलोड करना है, ठीक है, और एडिट प्रोफाइल कैसे करनी है, और विड्रो और डिपॉजिट कैसे डालना है इसमें आपको, अगर आपको डालना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अकाउंट क्रिएशन, विड्रोअल, बैंक डिपॉजिट, बैंक में अकाउंट यहाँ पे कैसे डालना है, यहाँ से पैसे बैंक में कैसे डालना है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में बिड कैसे करनी है, और किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट वगैरह कैसे लेना है, सब मैं आपको फ्यूचर क्लास में बताऊँगा। तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करें तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।